أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون सदक अल्लाह अज़ीम। अलोगो जो ईमान लाए हो सबर और नमाज से मदद लो। सॉरी पिछली आयत का से शुरू करते हैं। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नियमित ना करो। अलोगो जो ईमान लाए हो सबर और नमाज से मदद लो, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। تحویل قبلہ کے بعد ہم ایک بہت ہی اہم آیت سمجھنے جا رہے ہیں۔ اس آیت کو اس لیے بہت سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت جتنے بھی آپ دیکھیں موٹیویشن اسپیچز اور جو موٹیویشن اسپیکرس ہیں، مینٹورز ہیں، ان کی جو اسپرٹ، جو بیس ہے وہ اس آیت سے جڑی ہے۔ अगरचे कि अगली आयत वाला नबलुवन्नकुम हम इस पे बात दोबारा करेंगे और आज वाली आयत को भी हम एक सेशन में कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शन दी, मुझे याद करो, अस्कुरुनी अस्कुरकुम, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा, इससे क्या मुराद है? कौन सा याद करना, कि कैसा ताल्लुक? यानी हदीस के मुताबिक है ना कि जब इंसान तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करता है तो अल्लाह ताला उसे याद करता है, और महफल में याद करे तो अल्लाह ताला उसे बेहतर महफल यानी फरिश्तों की महफल में जिक्र करता है। अल्लाह का जिक्र करना कैसे है? जैसे हम किसी चीज को याद करते हैं तो याद दो मानों में होता है ना, कि भाई हम भूल गए हैं तो हमने याद किया, जबकि अल्लाह ताला तो नहीं भूलता, तो फिर उसका याद करना, उसका जिक्र करना क्या हुआ? भूलना जो है वो दो मानों में हो सकता है। एक तो ये कि आप भूल गए, दूसरा ये कि इग्नोर कर दिया, किसी चीज को डिसमिस कर देना। तो इसका मतलब कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जो होता है अपनी रहमत से, यानी वो फॉरगेट नहीं करता, वो हमें डिसमिस कर सकता है अगर हम उससे गाफिल हो जाएं। अब जिक्र क्या है? जिक्र के लिए आप बहुत सारी आपको मसनून दुआएं, कुरानी दुआएं मिल जाएंगी, और जो आपके हालात इजाजत दें, अल्लाह ताला को वो अमल अच्छा लगता है जो बाकायदगी से किया जाए, हाँ वो थोड़ा हो। तो जिक्र के लिए हमें कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके सिखा दिए, जैसे फजर और मगरब के अज़कार आपके उसमें 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बेस्ड ऑन माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस वो बहुत ज़रूरी है। नमाज बजाते खुद जिक्र की बेहतरीन शक्ल है। लेकिन टॉप पे जो जिक्र आएगा, जिसको कुरान और हदीस से अगर आप उलमा ने जो समझा है, सबसे बेहतरीन जिक्र जो है वो कुरान है, यानी कुरान के साथ जो आप वक्त गुजारते हैं। ये एक चंद लम्हे जिसमें मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, या मैं और आप जो मिलके सीख रहे हैं, या जो भी आप इसके साथ वक्त गुजारते हैं, वो जिक्र की बेहतरीन शक्ल है। कैसे? कुरान इन दोनों चीजों के ना, कुरान हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम है, लेकिन असल में तो बात तो हमारी है ना, यानी कुरान बात तो उसमें जिक्र तो मेरा और आपका है, तो फिर टू वे हो गया ना, यानी अल्लाह ताला हमसे बात करना शुरू कर देता है। बल्कि अगर हम इसको हम अगली आयत से जोड़ दें कि ईमान वालों नमाज से मदद लो, तो नमाज भी क्या है? सूरह फातिहा का भी एक जो नाम है वो सलाह है। नमाज भी टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे सूरह फातिहा पे हमें एक हदीस मिलती है कि बंदा अपने अल्लाह से बात करता है और अल्लाह उसका जवाब देता है, तो नमाज जिक्र की शक्ल है, क्योंकि आप उसमें टू वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। फिर साथ ही जिक्र आया कि वश्कुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, पहले जिक्र हुआ फिर शुक्र की बात, क्योंकि अगर अल्लाह का जिक्र ही नहीं होगा तो शुक्र खुद बखुद गायब हो जाएगा। जब आप याद करते हैं अल्लाह को, अल्लाह की नेमतों को, तो खुद बखुद इंसान एहसानमंद होने लगता है, और जिक्र और शुक्र
ये आपको अल्लाह के करीब कर देते हैं और जिंदगी को आसान बना देते हैं। शुक्र सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, ये रवैये का नाम है। और हम बार बार खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से बार बार आगाज करते हैं। कुरान में भी इस आयत से, इस शुक्र से आगाज हुआ। एक तो ये अपनी आदत बना लें कि जब भी कोई किसी अच्छी बात का जिक्र किए, इवन बच्चे जब आके कहते हैं कि आज हमारा दिन अच्छा गुजरा, तो मैं उनसे कहती होती हूँ कि आप साथ अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहा करें। और अगर तो आपकी आदत है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो ये जरूर आदत रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या आज मेरा काम वक्त पे ये हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे और ऐसे हो गया। आप में से बहुत सारी बहनों ने हमारा 30 डे शुक्र चैलेंज अटेंड किया है, उसमें जो फीडबैक हमें मिला, एक बात उसमें कॉमन थी कि कोई भी दुनिया में इंसान ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि उसके पास कुछ ऐसा नहीं बचा कि जिस पर वो शुक्र करे। तो होता ये है कि हमारा जो डिफॉल्ट जो मूड है, जिसको कुरान ने खुद भी जिक्र किया कि इंसान इन्नल इंसान अल रब्बी लकनूद, कि इंसान बेसिकली ना शुक्र है, हमें खींच के खुद को लाना पड़ता है, वरना जो मिसिंग है उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा होती है। आधा ग्लास खाली है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। शुक्र के लिए एफर्ट डालनी पड़ती है, अपने आप को आप कॉन्शियसली याद करना पड़ता है। तो जो चीज हमने उस चैलेंज से समझी और सीखी थी कि शुक्र के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हमने सिखाई, उसमें जो मेरी फेवरेट थी कि आप सोते वक्त 10 बातें जो आज की अच्छी हुई, 10 नेमतें, वो लिखने की आदत डाल लें, तो खुद बखुद आपका दिमाग पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और कभी ऐसा नहीं होगा कि आप लिखने बैठे तो ये, और बात है कि कुछ लोग पूछते हैं हैरानों के हम क्या लिखें, आप अपनी आंखों की नेमत गिनें या ऑक्सीजन की नेमत को गिन लें, या यू नो इन तौदू नेमत अल्लाह ला तुसु, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। इस आयत पे एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि अल्लाह ने कहा मेरा शुक्र अदा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मेरा शुक्र अदा करो और कुफर ना करो, ना शुक्री ना करना। ना शुक्री के बाद ये नहीं कहा कि फिर अगर ना शुक्री करोगे तो अजाब दूंगा। ऐसे जैसे अल्लाह ताला हमें ये कह रहा है कि देखो जिक्र शुक्र करते रहना, गाफिल ना हो जाना। यहाँ पे कुफर ना शुक्री के मानों में आ रहा है, और ना शुक्री से बचने के लिए या जिक्र और शुक्र कैसे पैदा हो, जितनी भी मोटिवेशनल स्पीचेस मैं सुनती हूँ, मुझे खुद बहुत शौक है क्योंकि वाकई मेंटल लेवल को अच्छा रखती हैं। कासम अली शाह इज अमंग वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर्स। तो मैंने नोट किया जब आप वो सुनते रहते हैं ना, आप ठीक रहते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि मैंने एक पूरा हफ्ता पूरा महीना वो नहीं सुनी, तो मैं हो सकता है डाउन फील करूँ। तो हमारे दीन को पता था कि इंसान को सिर्फ थ्योरी नहीं चाहिए होती, इसलिए हमें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अल्लाह ताला ने इस्तईनु बिस्सबरी वस्सला उसकी अमली शक्ल हमें दिखा दी। यानी सिर्फ हमें थ्योरी नहीं दी है, कहा कि ये जिक्र शुक्र और नाशुक्री से बचने के लिए तुम नमाज से मदद लो, इस्तानत का लफ्ज आया। अब जाहिर है नमाज का ये इस्तईनु का लफ्ज पीछे बने इसराइल के लिए भी आ चुका, और जब उन्होंने नमाज को जाया किया तो अपनी राह से भटक गए। अब देखिए मिट्टी में अगर बीज डालें और उसमें रोशनी हवा पानी हो तो वो जरूर फलता फूलता है। अगर वो नहीं फल फूल रहा मतलब बीज ही नहीं है ना। तो ईमान बीज है और उसका जो फल है वो नमाज है। तो वो जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो बीज को भी स्ट्रेंथ मिलती है, और जाहिर है कि जो बाकी एनवायरनमेंट है, बाकी चीजें वो खुद खुद ठीक होने लगती हैं। बुनियाद यही है। अब बनी इसराइल से वो बैलेंस छूट गया जो उन्होंने नमाज छोड़ी। नमाज एक इक्विपमेंट है हमारे लिए, एक टूल है जो आपको जिंदगी में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पूरा करने में मदद देती है। देखिए उनको फतह मक्का करना था, उसके इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उनको एक मिशन दिया जा रहा है, तो बीच में आया कि नमाज से मदद लेते रहना। ताकि देखिए सब्र और शुक्र ये दो चीजें मोमन के लिए पर हैं, जिनको जिसके पास ये पार है वो वही जन्नत तक आसानी से वो रास्ता तय कर सकता है। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तआनत जिस तरह वो आप हासिल करते थे कि हर परेशानी में आप नमाज का रुख करते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बेटा वफात पा गया तो हम देखते हैं कि आप सूरह कौसर नाजिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह से तसल्ली दी गई। इसी तरह
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब उनको भेजा जा रहा था कि फिर उनसे जाके बात करो, तो उस वक्त भी कहा कि मेरा जिक्र ना भूलना। गोया आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना जा रहे हैं तो उसके लिए भी जिक्र ही एक टूल है। जिंदगी में आपका मिशन क्या है, उसमें नमाज और सब्र आपको मदद देगी। सब्र उसकी क्वालिटी तो है, लेकिन सब्र की क्वालिटी नमाज ही पैदा करती है। इतनी ठंडी रातों में उठ के वुजू करना या गर्म बिस्तर छोड़ना या मतलब ये तो जिस्मानी मशक्कत तो इतनी नहीं है। खुद कुरान ने कहा इन्ना हला कबीरतुम इल्ला अलल खाशीन, कि ये मुश्किल लगता है अगर देखा जाए तो, कुरान कह रहा है मुश्किल है, लेकिन क्या चीज़ इसको आसान बना देती है जब आपको उसके रिवॉर्ड और उसका आउटकम नजर आता है। और जिक्र और शुक्र सिर्फ मुश्किल में नहीं कहा गया, बल्कि फी दीनिल्लाह अफवाजा, जबकि लोग बहुत ज्यादा दीन में आए तो तब भी कहा कि अल्लाह की तस्बीह करनी है, अल्लाह को याद करना है। और दो मौके ऐसे हैं, दो टाइमिंग्स ऐसी हैं जिसका कुरान में बहुत ज्यादा जिक्र आया कि इस मौके पे आपने अल्लाह को याद करना है। तुलू शम्स मिन तुलू कबल तुलू शम्स व कबल गुरूब, सूरज के तुलू और गुरूब से कबल अल्लाह को याद करो। ये दोनों टाइमिंग्स ऐसी हैं कि जिसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां पैदा होती हैं। देखिए ना, रात का दिन में बदलना, दिन का रात में बदलना, ये कितना बड़ा मुजज़ा है अगर आप गौर करें तो। कुरान ने इसकी बार बार इसकी तरफ इशारा किया है। और खुद हम जब ये देखते हैं कि भाई अभी रोशनी थी, फिर अंधेरा हो गया, अंधेरे के बाद रोशनी है, तो हमें ये एक मैसेज मिलता है कि जैसे लैल इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो छा जाए, कि जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहती। ये तब्दीलियां हमें बताती हैं कि ठीक है, अगर इन्ना मा उसरी यूसरा, मुश्किल टाइम है तो आसानी भी है, और आसानी है तो उसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे। तो गोया ये दो औकात हमें मोटिवेट करते हैं अगर हम इनको कुरान की ऐनक पहन कर देखें। अब उसके साथ ही अगली आयत जो आ रही है कि भाई हो सकता है कि अल्लाह की राह में कुछ लोग मारे जाए। अच्छा, अभी जंगे बदर पेश नहीं आई थी, कुछ मुसलमान का दुकान की वो शहीद कर दिए गए थे, लेकिन मुजारे का सीगा आया है कि जो लोग मारे गए हैं या जो आइंदा मारे जाएंगे, उनको मेंटली तैयार किया जा रहा है ना कि भाई तुम जो मिशन करने जा रहे हो इसमें शहादतें होंगी, जान भी जा सकती है। तो ये आजमाइश का सबसे हाई लेवल है, तो उनके लिए अल्लाह ताला ये कह रहा है, यानी उनको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उसको देख के खुद खुद सब्र पैदा हो रहा है कि उनको मुर्दा मत कहना, उनकी जिंदगी है, वो जिंदा है, वो बातें करते हैं। बल अखिया, ये नहीं कहा कि वो जिंदा कर दिए जाएंगे, बल अखिया यानी जिंदा है, वो जिंदा है, ये भी नहीं कहा कि इन्ना हूं भी नहीं कहा, उनकी दे लफ्ज नहीं यूज हुआ, दम नहीं हुआ, कहा कि लेकिन जिंदगी जिंदा है। ऐसे जैसे एक ही जैसे मैं किसी को कहूँ कि ब्रेव लाइक अ ब्रायन, कि तुम जैसे शेर की तरह बहादुर, उसकी बजाय मैं कह दूँ शेर, तो फौरन समझ आ जाएगी मैं किस चीज पे एम्फोसाइज कर रही हूँ। तो शिद्दत से कहा जा रहा है वो जिंदा है, हमें हम नहीं जानते उनकी जिंदगी के शोर। कुरान ने कुछ ग्लिम्प्स दिए हैं कि आपस में खुशियां मनाते हैं और जो पीछे मिलने वाले हैं उनके बारे में बातें करते हैं और उनकी कहीं कहीं ग्लिम्प्स मिलती हैं। अब ये विजन दिया जा रहा है साबिकु इला मग़फ़िरतिम रब्बिकुम, कि तुमने इसमें सबकत ले जानी है और इस रस्ते में ये आजमाइश आ सकती है, तो सब्र और नमाज ये तुम्हारे हथियार होंगे, चाहे तुम्हारा मिशन कुछ भी हो। देखिए, अगर इन बड़े बड़े मिशन में नमाज और सब्र मदद करता है, तो फिर मेरे और आपके लिए नमाज कैसे मदद कर सकती है। अब हम जानते हैं कि जैसे माएँ हैं उनके लिए, स्पेशली बच्चे जब छोटे हों और बच्चे इनके कपड़े गंदे हो गए हैं या टाइमिंग्स का इशू हो रहा है और जो मसरूफियत होती है, और ऐसे में नमाज के लिए वक्त निकालना, अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि ये आसान नहीं है। लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि जब भी आप घर के काम का जिम्मेदारियों में नमाज के लिए वक्त निकालते हैं, तो खुद बहुत महसूस होता है कि यू फील रिलैक्स्ड, कि अब आपकी बाकी जिम्मेदारियां आसान हो गई है ना, और बरकत सी महसूस होने लगती है जब आप नमाज अदा कर लेते हैं।
तो नमाज के लिए जो आपने पूरे दिन 24 घंटे में से वक्त निकाला वो बाकी जिंदगी को बाबरकत बनाता है। ऐसा नहीं है कि फिर आपको कहें कि हाँ भाई चूंकि मेरा नमाज पढ़ने वक्त लग जाता है तो इसलिए मेरा ये हरज हो गया और वो हरज हो गया, ऐसा नहीं कभी भी होता। इसका हमने अमली तौर पे आजमा के देखा है। अब देखिए, सबर और शुक्र की जब बात हुई है, अगली आयत जो आ रही है, चूंकि उस पर बहुत ज्यादा टाइम चाहिए इसलिए, और मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप जरूर अगला सेशन सुनिएगा, क्योंकि उसकी तशरीह डीप डाउन में चाह रही थी कि हम उसको समझें कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। सबर और नमाज से मदद लेनी है, कौन कौन सी, हर एक की आजमाइश तो शहादत से नहीं होगी ना, बहुत कम लोग हैं जो शहीद होते हैं, मैं और आप आज भी हमारे जमाने में भी कम तादाद है जो शहीद होते हैं, तो फिर हमारी आजमाइश क्या होगी कि नमाज और सबर से मदद ले। तो अगली आयत में बहुत तफसील से बात आ रही है जिसको हम बहुत गौर से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुझे और आपको समझना है कि नमाज हमें अल्लाह तला से कनेक्ट कर देती है। अब देखें कि उस शख्स के लिए आसान नहीं है जिसका बेटा फोत हो जाए और आप उसको कहें कि सब्र करो, उसके लिए आसान नहीं होता, या फिर किसी की तलाक हो गई है या उसकी रिलेशनशिप बहुत मुश्किल है, तो आप और वो चाहते हुए भी दे फील ओवरवेलम्ड और उसको लेट गो नहीं कर सकते, तो हमारे लिए कहना तो बड़ा आसान होता है कि इसको छोड़ दो, बस सब्र करो। हालांकि ये सब्र कुरान उस तरह का सब्र नहीं कह रहा कि जो हमारे कल्चर में है कि बस फिर बंदा जो है ना अंदर ही अंदर घुट के मर जाए, ऐसे सब्र की कुरान ने बात की। कौन से सब्र की बात की है वो भी हम अगले सेशन में डीप डाउन देखेंगे, लेकिन बात ये कि जब वो एक बंदा ओवरवेल्म है, वो इमोशनली हो रहा है, तो अल्लाह ताला उस इमोशंस पे पकड़ नहीं पा रहा। बार बार हम देखते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये कहती है कि काश मैं इस दिन से पहले मर जाती, तो अल्लाह ताला उनको नहीं डांट रहे बल्कि उनको कम्फर्ट देते हैं। तो या फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कितने साल रोते रहे, तो अल्लाह ताला उनकी नहीं पकड़ पा रहे कि तुम रो क्यों रहे हो, सबर क्यों नहीं कर रहे। तो उसका मतलब सबर में ये कैफियत का हो जाना इज क्वाइट नॉर्मल। सिर्फ क्या है कि नमाज आपके उन इमोशंस को बैलेंस कर देती है आपके लिए। खुद कुरान ने ये कहा है कि इंसान जो है वो एक्सट्रीम पे चला जाता है, इजा मस्सल शरु मनु आइजा मस्सल खैरु जजुआ इल्ला मुसल्लीन, के वो जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो अकड़ने लगता है, और अगर कोई भलाई पहुंचती है तो फिर मुंह फेर लेता है, और तकलीफ पहुंचने पे जजा फजा गिरियाजारी और शिकायतें शुरू कर देता है, इल्ला मुसल्लीन, मगर वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो इस एक्सट्रीम रवैये से बच जाते हैं, यानी हमेशा कभी इधर तो कभी इधर। तो नमाज आपको रिलीफ देती है, उस सिचुएशन को हैंडल करने में आपके लिए एक टूल बन जाती है। और जिंदगी में कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब कोई मसला, यानी कुछ भी नहीं समझ आया और आपने सजदे में सर रखा, तो मसला हल हुआ या ना हुआ, आपने महसूस किया कि आप लटको मूड में चले गए ना। और हम आगे हजरत सफा मरवा की कहानी भी पढ़ेंगे, और जाहिर है उसका ताल्लुक हजरत हाजरा से है, वो भी देखेंगे। तो आज के इस टॉपिक को हम इतना ही लिमिटेड रख रहे हैं कि अल्लाह ताला जिक्र शुक्र और सबर को जोड़ा है, ये हमारे टूल्स हैं इस जिंदगी में। जो कद अफलहल मोमिनून, उन मोमिनीन ने कामयाबी पाई जिन्होंने अपने नमाजों में खुशू अख्तियार किया। नमाज कामयाबी की कुंजी है, नमाज मुझे और आपको अल्लाह से कनेक्ट करती है, बशर्त ये कि वो रट्टे वाली नमाज ना हो, क्योंकि नमाज अल्लाह के जिक्र की बेहतरीन शक्ल है। तो अल्लाह को याद करने के लिए जरूरी है कि हम कॉन्शियसली उससे कनेक्ट हों, उससे जुड़ें, और नमाज में जब बात करें तो ऐसे ही हो जैसे आपने किसी से कॉल मनाई है। मुझे याद है एक दफा छोटे होते एग्जाम्पल्स और कहानियां अच्छी लगती थी, तो किसी ने मुझे कहा कि अल्लाह ताला का नंबर है 244343, तो हम बड़े एक्साइटेड हुए, अल्लाह ताला का भी नंबर छोटे होते तो ये बातें इंस्पायर करती थी ना, उस वक्त आपको बस उतनी बात समझ आती थी। तो उन्होंने कहा हाँ, दो उन्होंने फ्राइज गिनवाए ना कि 2 फर्ज सुबह, 4 फर्ज दोहर, 4 फर्ज असर, 3 फर्ज मगरिब, 4 फर्ज और 3 मित्र, इस तरह करके उन्होंने बात की कि अल्लाह का नंबर है, आप जब कॉल मिलाएंगे उसका नंबर हमेशा आपको मिलेगा ना, जवाब भी मिलेगा। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी नमाज की हिफाजत करने वाले होंगे, और अल्लाह के साथ जो आपका रिलेशनशिप जो 1-to-1 है वो बहरहाल एक नमाज ही के जरिए बन सकता है। और जब आप अल्लाह से कनेक्टेड होंगे, जिक्र कर रहे हैं खुद नमाज की शक्ल में,
तो फिर खुद ब खुद सब्र और बाकी शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा होने लगती हैं और आपकी जिंदगी में एक ठहराव और बैलेंस आ जाता है। तो अल्लाह करे कि हम उन लोगों में से शामिल हों कि जिनके अंदर सब्र की और शुक्र की कैफियत हैं और जो अल्लाह से इस हाल में मिलें कि अल्लाह ताला हमसे राजी और खुश हों। अल्लाहुम्मा जाल अल-कुरआना रब्बी अक़ल्बी व नूर सदरी व जला अहुस्नी व ज़हाब हम्मी व ग़म्मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।